यमुना भारत की एक प्रमुख नदी है जो यमुनोत्री से निकलकर प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। यमुना के तटवर्ती नगरों में दिल्ली और आगरा के अतिरिक्त इटावा, कालपी, हामिरपुर और प्रयाग मुख्य हैं। प्रयाग में यमुना एक विशाल नदी के रूप में प्रस्तुत होती है और वहां के ऐतिहासिक किले के नीचे गंगा में मिल जाती है। लेकिन ब्रज की संस्कृति में यमुना का महत्वपूर्ण स्थान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यमुना सूर्य की पुत्री हैं, शनि और यम इनके भाई हैं और भगवान श्री कृष्ण की ये चतुर्थ पटरानी हैं। ब्रज क्षेत्र में यमुना के तट पर भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की हैं, चीरहरण लीला, कालिया मर्दन लीला, रास लीला, गौचारण लीला इत्यादि। पर ब्रजवासियों की ये आराध्य हैं और ब्रजवासी नित्य प्रति इनकी आराधना करते हैं। घर में कोई भी शुभ कार्य का अवसर हो, माँ यमुना का पूजन किए बिना संपन्न नहीं होता। पर आज प्रश्न यह उठता है कि जिस माँ ने हमेशा हम मनुष्यों का उद्धार किया, हमारे सुख की कामना की, उसी माँ को हम किस तरह से कलुषित कर रहे हैं। आज उसी का आचमन करने से पूर्व हम विचारने लगते हैं कि आचमन लें अथवा नहीं। आखिर कौन है हमारी माँ के इस सुंदर श्यामल रूप को कलुषित करने वाला? शायद हम में से ही कुछ लोग जिन्होंने अपने सुख की आकांक्षा से गंदे नालों का पानी यमुना में छोड़ दिया। अपने व्यवसायों को तो गति दी, लेकिन उस व्यवसाय के कारण उत्पन्न हुए विषैले जल को यमुना में छोड़ दिया। और तो और, अपने घर के कूड़े कचरे का निस्तारण भी हमने इसके जल में किया है। पूजा पाठ के बाद बची हुई सामग्री हो या फिर मूर्ति, सब कुछ इसमें विसर्जित करते चले गए और फिर हम ही कहते हैं कि यमुना मैली हो गई है। वो तो माँ है, शायद इसलिए इतने वर्षों से किए गए हमारे कुकृत्यों को सह रही है, पर भीतर ही भीतर वह घुटती है। अपनी पीड़ा को वो कभी किसी से नहीं कहती, लेकिन मन ही मन वह भी कभी कभी बुदबुदाती है। कितनी खुश होती हूँ मैं जब तुम अपने नवजात शिशु के जन्मोत्सव के समय मेरा पूजन करने, मेरा आशीर्वाद लेने आते हो, और फिर उसका मुंडन संस्कार होते हुए देख पाना सच में मुझे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होता है। पर क्या कभी कोई संतान मेरी वेदना को भी समझ पाएगी? आह, कितनी पीड़ा होती है उस वक्त जब विषैले जल के प्रवाह को मुझ में समाहित करने को छोड़ दिया जाता है, और ये पीड़ा तब और बढ़ जाती है जब मेरी ही आंखों के सामने मेरी गोद में खेलने वाले जलचर तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं। मेरा मन सच में बहुत व्यथित हो उठता है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे द्वारा चढ़ाए गए असंख्य पुष्पों का अर्चन, मैं तो केवल तुम्हारे सच्चे भावों के श्रद्धा सुमन से भी प्रसन्न हो जाऊंगी। मुझे नहीं चाहिए दुग्ध की धारा, मैं तो साधारण जल को भी स्वीकार कर लूंगी। बस तुम्हारे मन का भाव सच्चा हो, समझ सके तो कोई समझ ले मेरे मन की पीड़ा को कि मुझे कितना कष्ट होता है। मानो तो मैं यमुना माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब ब्रज भूमि में ही जन्मे किसी मनुष्य का मन यमुना की स्थिति को देखकर विचलित हो उठा और आरंभ हुआ
यमुना मिशन। सन 2015 की बात है, जब यमुना मिशन के संस्थापक श्री प्रदीप बंसल जी से ब्रजवासियों ने यमुना में गिरते हुए कचरे को रोकने के लिए एक जाली लगवाने का अनुरोध किया था, जिसे श्री प्रदीप बंसल जी ने स्वीकार करते हुए इस कार्य को आरंभ कराया। लेकिन जब कोई अच्छा कार्य आरंभ होता है तो बहुत सारी परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं। ऐसा यहाँ भी हुआ। जब साफ सफाई का कार्य आरंभ हुआ तो इतना सारा कचरा निकाला गया कि अब उसका निस्तारण कहां और कैसे किया जाए, ये एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। तदुपरांत निर्णय यह लिया गया कि इस कचरे का भी सदुपयोग किया जाएगा और फिर यमुना जी के किनारे इस कचरे के ढेरों पर मिट्टी डाल डालकर उसे एक सुंदर रूप में परिवर्तित किया गया। यमुना किनारे बनाया गया यमुना मिशन मार्ग और फिर वहां वृक्षारोपण कार्य कराया गया। साथ ही साथ घाटों के जीर्णोद्धार का कार्य भी यमुना मिशन ने किया। जब आप यमुना मिशन मार्ग पर आएंगे तो पाएंगे वहां हरियाली ही हरियाली है। फलदार, फूलदार और छायादार वृक्ष यहाँ आरोपित किए गए हैं। सुबह और शाम के वक्त यहाँ परिवार के साथ आकर लोग प्रकृति के इस मनोरम दृश्य का आनंद लेते हैं। ब्रज में मथुरा के कंस घाट से आरंभ हुआ यह मार्ग अब मथुरा से अक्रूर घाट होते हुए वृंदावन की ओर भी बनाया जा रहा है। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग हो या फिर गोकुल रमण रीति धाम, ब्रज के अनेकों स्थलों पर आपको यमुना मिशन द्वारा लाई जाने वाली हरित क्रांति नजर आएगी। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने जब सेतु का निर्माण किया था तब सभी वानर सेना ने इसके निर्माण में अपना सहयोग दिया था, आज उसी प्रकार इस मिशन से जुड़ने के लिए बच्चे हों या बुजुर्ग, युवा हों या मातृशक्ति, सभी एकजुट हो चुके हैं। यदि आप भी इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। घर में कोई भी शुभ कार्य हो, आपका या आपके परिवार के किसी भी सदस्य का जन्मदिन हो या शादी की वर्षगांठ या फिर अन्य और कोई शुभ दिन, आप यहां आकर वृक्षारोपण कर सकते हैं। और इसके लिए यमुना मिशन मार्ग पर आपको पूरी तैयारी मिलेगी, बस आपको केवल अपना समय देना है। सारी व्यवस्थाएं यह मिशन स्वयं देखता है, क्योंकि यह मिशन किसी से कोई चंदा नहीं लेता। तो बस अब आपको थोड़ा सा समय वृक्षारोपण के लिए देना है और जुड़ना है यमुना मिशन से। इस बार आप भी यहां जरूर आइए और वृक्षारोपण कीजिए। वृक्ष धरा का भूषण है, करते दूर प्रदूषण है।